हेलो फ्रेंड्स, दिस कृष्णा जादव और आज हम देखेंगे रास्पबेरी पाई को अपने लैपटॉप स्क्रीन के साथ कैसे कनेक्ट करें विदाउट एनी इंटरनेट केबल और एचडीएमआई केबल। आज हम कनेक्ट करेंगे इसे वाईफाई से, तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए एक माइक्रो एसडी कार्ड, रास्पबेरी पाई 3 जिसमें बिल्ट इन वाईफाई आता है और एक 5 वोल्ट का चार्जर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे रास्पबियन सिस्टम अपने मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल करें। सो अपना रास्पबेरी पाई को डायरेक्टली वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमको ये दो फाइलों माइक्रो एसडी कार्ड में कॉपी करनी होगी। इसमें जो WPS एप्लीकेंट है उसमें आपको अपना SSID इट मीन्स वाईफाई का नेम और PSK में आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही रास्पबेरी पाई ऑन होगा तो अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जाना है अपने वाईफाई सेटिंग में, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस, इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट हमने जो 4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे पिछले वीडियो में, उसमें से PuTTY सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यहाँ पे IP एड्रेस पेस्ट करना है, पोर्ट नंबर 22 और SSH और ओपन पे क्लिक करना है। तो ये हमें लॉगिन पूछेगा, लॉगिन है पाई एंड पासवर्ड है रास्पबेरी। सो ये हमारा कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको ओपन करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जो आपको स्टार्ट मेन्यू में से मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे अपना IP एड्रेस डालना है रास्पबेरी पाई का और कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगेन यूजर नेम पूछेगा, तो पाई एंड रास्पबेरी। फ्रेंड्स, तो हमारा रास्पबेरी पाई हमारे लैपटॉप साथ कनेक्ट हो गया है। हमारा लैपटॉप का कीपैड और माउस यूज़ कर सकते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। ओके, ये दो फाइल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है माइक्रो एसडी कार्ड में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कृष्णा जादव साइनिंग ऑफ।